वन बाय वन मैं चाहता हूँ कि हम चीजों को स्टार्ट लें कि किस तरह से हमने उनको अटेम्प्ट करनी है। अब मैंने प्रेजेंटेशन के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था वो ये था कि आपने पीपीएससी का इम्तिहान जो है वो कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये था हाउ टू अटेम्प्ट पीपीएससी एग्जाम। तो मैंने इसमें आपको कुछ चीजें अभी थोड़ी देर पहले बताई थी जिनका यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। नंबर वन के यू मस्ट ऑलवेज कैरी अ लेड पेंसिल एंड अ मार्कर, और जो कि कटा हुआ हो तो बेहतर है, ठीक है ना। ब्लैक और ब्लू ये आपने अपने साथ कैरी करना है। दूसरा ये कि मेक श्योर के आप जो आंसरिंग वाला पोर्शन है, ठीक है, जो कि आंसर वाला पोर्शन है वो, इसके अलावा एंड जो आपकी टाइम लाइन है वो डिस्टर्ब ना हो, आपकी स्लीव से लेके, मतलब ये कि स्लीव्स कभी कभी गीली हो जाती है या फिर मार्कर जो है वो लग जाता है। रफ वर्क के लिए हमेशा आप अपना पेन यूज करें, ठीक है ना। रफ वर्क के लिए हमेशा लेड पेन यूज करें, लेड पेंसिल को यूज करें। और रफ वर्क देखो आप दो जगह पर कर सकते हैं। एक चीज है जिसको आप रोल नंबर स्लिप की बैक साइड, रोल नंबर स्लिप की बैक साइड आपको, क्योंकि देखो अलाउ नहीं किया जाता कुछ और भी करने को, तो शुरू में तो आप नहीं करोगे रोल नंबर स्लिप की बैक साइड को, आप नहीं लोगे, लेकिन बाद में जो है वो आप रोल नंबर स्लिप की बैक साइड के ऊपर थोड़ा सा जब एग्जाम कंटिन्यू कर जाता है तो उसके ऊपर जाना शुरू कर दोगे। अच्छा, दूसरा उसके अंदर होता है कि जो आपकी आंसर शीट होती है वो मैं आपको भी दिखाऊंगा अभी, उसके ऊपर जो लास्ट पेज है उसके ऊपर पोर्शन बना होता है रफ वर्क के लिए। तो ये दो जगह होती हैं जहां पे आप लेड पेंसिल के साथ रफ वर्क कर लेते हैं, क्योंकि यूजली आमतौर पर आपने डीएनए से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल बेसिस से रिलेटेड, या फिर क्यों आपने निमोनिक्स वगैरह याद किए हुए हैं, मतलब शॉर्टकट वर्ड्स के बना के मैं आपको बनाने सिखाऊंगा अभी, वो याद किए हुए हैं फ्रेश फ्रेश, तो वो आप हिंट्स लिख सकते हो। और फिर साथ ही अगर आपके पास रबर है तो उसको आप ये सारा सॉल्व करने के बाद मटा के अपनी क्लीन सी शीट जो है वो प्रेजेंट भी कर सकते हो। टाइम काफी होता है, टाइम के बारे में वरी नहीं करना। अब जो टिप्स हैं वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये ओएमआर शीट होती कैसी है, ठीक है। तो आपके सामने वो हमारा शीट नजर आ रही है, ये देख लें, यहाँ पे कैंडिडेट्स अपने पार्टिकुलर्स लिखेंगे। ये ऑफिस यूज और सुपरवाइजर सिग्नेचर ये आपके काम की नहीं है, मेक श्योर कि आपने सुपरवाइजर सिग्नेचर किए हुए हैं, नंबर वन आपके अपने सिग्नेचर है। टाइमलाइन जो राइट पर है इसको छेड़ाछाड़ी नहीं करनी, रोल नंबर पर्टिकुलरली फिल किया गया है। ये जो आंसरिंग एरिया है, फिलिंग एरिया, इसके ऊपर क्रॉस या लाइन नहीं होनी चाहिए, बाकी सब कुछ चल जाएगा लेकिन इन चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और ये किस्म का सुसाइड होगा कि अगर आप इनको जो है वो प्रॉपर अटेंशन नहीं देते तो। तो आपके सामने एक इसकी डिटेल मैं आपको ये सेंड भी कर दूंगा बाद में, सारी चीजें ग्रेजुअली वन बाय वन। इस तरह से आपने अपना ये जो पोर्शन है एक्सट्रीम लेफ्ट वाला, इस तरह से आपने इसको अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा कोई छेड़ाछाड़ी करेंगे तो वो प्रॉब्लम बाद में क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। मेक श्योर कि आपने सुपरवाइजर के सिग्नेचर लिए हैं, और जो आपकी टाइम लाइन है ग्रेडेड एरिया ये बहुत ही सेंसिटिव है, इसके साथ कोई मसला नहीं करना, पसीना पानी ऊपर नहीं लगाना, पानी की बोतल साथ लेके जाए, चॉकलेट का मतलब ये कि चॉकलेट लेके जाए साथ में भी, कभी कभी पेपर मुश्किल होता है तो देखते साथ ही बंदे का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, थोड़ा सा पानी ले लेंगे और साथ थोड़ी चॉकलेट ले लेंगे तो जो है वो एनर्जी भी मिल जाएगी दिमाग को, और पानी की वजह से ब्लड प्रेशर भी तेज हो जाएगा तो काम करना दिमाग शुरू हो जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मेरिट जो है वो हर साल वैरी करता है, ठीक है ना, मेरिट हर साल वैरी करता है, इस चीज से रिलेटेड आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, अब लास्ट ईयर जो 2017 में लास्ट एग्जाम था, मेरिट रिलेटेड मैं आपको बताने लगाऊं कि लास्ट ईयर जो बायोलॉजी का एग्जाम था उसका मेरिट एंड हुआ था 44 पर, ठीक है ना, 42 आउट ऑफ 44 वाले को उन्होंने बुला लिया था इंटरव्यू के लिए, तो लोगों के वाकई में ब्लड प्रेशर लो हो गया था इसका पेपर देखते साथ ही, ठीक है। तो इसमें खास याद रखना है। और सिमिलरली जूलॉजी का 50 पे था, जूलॉजी का 50 पे था, तो मतलब ये कि क्वेश्चन पेपर मुश्किल होता है लेकिन मेरिट आपका बनता है वो अल्टीमेटली बनता है इस रेशियो पर कि पर सीट के ऊपर उन्होंने 5 कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं, तो पासिंग मार्क्स तो आपके लिए हो गए 50%, 40%, ठीक है। अगर आपने टेस्ट पास कर लिया और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगी, ठीक है ना, अटेम्प्ट काउंट नहीं होगी। अच्छा, अगर आप टेस्ट फेल कर जाते हो, किसी सूरत में भी कुछ भी फेल कर जाते हो, चाहे इंटरव्यू फेल की हो चाहे टेस्ट फेल की हो, ठीक है, तो आपके लिए अटेम्प्ट एनी टाइप ऑफ फेलियर सिंपल आप ये याद रख रहे हैं, एनी टाइप ऑफ फेलियर विल लीड टू योर काउंटिंग ऑफ द अटेम्प्ट। तो ये छोटी सी ट्रिक्स है जो कि आपने ध्यान में रखनी है। पेपर मुश्किल हो तो हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि हो सकता है मेरिट 40 पर आ जाए, हो सकता है मेरिट 37 पर आ जाए,
हो सकता है सारी फेल हो जाए और मैथ जो है वो 37 पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल हो, मैथ 37 पर आ जाए और उन्हें 37 मल्टीप्लाइड बाय अगर 30 मतलब सीट 40 है तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 5 करके 200 कैंडिडेट्स बुलाएं और 200 कैंडिडेट्स का जो लोएस्ट मेरिट हो वो 35 पे हो तो वो 35 वालों को भी बुला सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं हिम्मत हारनी कि जनाब टेस्ट जो है वो मुश्किल आ गया है तो अब हम क्या करें, ये टेस्ट जो है वो सबके लिए ही मुश्किल होता है, ये किसी के लिए आसान नहीं होता, डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो तैयारी इज द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रेस्ट ऑफ इट डजंट मैटर। तो देखें डैमेज ना हो आपकी शीट, दूसरा जो रफ वर्क है वो प्रॉपरली मतलब आपने जहां पे मैंने बताया वहां पे करना है। गाइडलाइन के लिए ये कि आपको 2 आवर्स दिए जाते हैं, 90 मिनट्स में आपने अटेम्प्ट करना है यानी गिवन टाइम, और आपने प्रॉपरली जो बॉक्सेस हैं उनको फिल करना है। ठीक है, प्रॉपरली बॉक्सेस को फिल करना है और ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी क्वेश्चन पेपर के साथ। तो ये तो जी आपके लिए सिंपल सी गाइडलाइन हो गई। अब आपके लिए टिप्स के एक दफा मैं चाहता हूँ कि आपको ना मैं दिखा दूं जो है आपको ओएमआर शीट भी दिखा, ओएमआर शीट के बाद आपको फर्दर डिटेल में मैं आपको पेपर भी दिखा दूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बायोलॉजी का पेपर है, ठीक है ना, ये बायोलॉजी का पेपर है आपके पास और यहाँ पर आपके पास ओएमआर शीट है, ये मैं बाद में आपको सेंड भी करूंगा और जो आपके मॉक टेस्ट होंगे वो इसी शीट पर आप दिया करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें इस बायोलॉजी के पेपर के ऊपर तो ये फिल करने का सारा तरीका लिखा हुआ है। ठीक है, फिल करने का तरीका कार लिखा हुआ है, पेपर कोड, रोल नंबर आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर सिग्नेचर करोगे और फिर इसको अटेम्प्ट करना शुरू कर दोगे। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस वगैरह मतलब ये शीट आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी आपको मतलब ये मैं सेंड कर दूंगा, इसको पढ़ ले ताकि पेपर में आपका टाइम जाया ना हो, लेकिन जब पेपर में बैठे तो एक दफा इसको गो थ्रू कर लेंगे, जिस चीज की आपने प्रैक्टिस की है ये वही है या कोई नई चीज तो नहीं आ गई। ठीक है, तो 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होते हैं इसमें, तो ये सेंसिटिव चीज है इसको समझने के लिए। तो ये बायोलॉजी का आपके पास पेपर है, इस तरह की शीट होगी जी एग्जैक्टली, जो कि जुड़ी हुई होगी, मतलब इसके दोनों तरफ पेपर के दोनों तरफ क्वेश्चंस बने होंगे, पेपर के दोनों तरफ क्वेश्चंस बने होंगे। अब आपने पेपर ले लिया, आपको क्वेश्चन नंबर 1 आता है, ठीक है, इसको जो है वो आप पहली बात ये कि डिफरेंट तरह से जो आपको कन्फर्म है ना उनके साथ डॉट लगाते जाए, अभी सॉल्व ना करें, अभी क्या करें, डॉट लगाएं, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आता है तो डॉट लगाएं, क्वेश्चन नंबर 2 आपको आता है डॉट लगाएं, 3 फॉर एग्जांपल आपको नहीं आता। अब इसमें आपने चीजों को नैरो डाउन करना है, अगर 4 ऑप्शंस में से आपको 2 लगता है कि ये बिल्कुल बिल्कुल आती ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है इस क्वेश्चन के आंसर में, वो रूल आउट हो जाती है, आपको 100% श्योर है कि ये 2 ऑप्शंस रूल आउट हो जाती हैं और 2 ऑप्शंस के बारे में आप कंफ्यूज हैं कि यार ये भी हो सकती है, ए भी हो सकती है और सी भी हो सकती है, इन दोनों में से कोई भी हो सकती है, लगा लें अपनी हिंट के लिए, और ये आपने बाद में लेड पेन से रिमूव भी करने होंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो कुछ भी कर देते हो ना आंसर शीट के ऊपर तो इसकी सजा नहीं है, सजा आपको मिलेगी अगर आप ओएमआर शीट पर कोई ब्लंडर मारते हो, अगर ओएमआर शीट के ऊपर आप कोई आंसरिंग शीट के ऊपर कोई ब्लंडर हो जाता है आपसे तो उसकी आपको बहुत स्ट्रिक्ट सजा मिलेगी। लेकिन यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 4 आपके पास ऑप्शन है, 2 रूल आउट हो गए, 2 बच गए। अब जो 2 बच गए हैं ना, ये वाला 2 तो रूल आउट फाइनल, आपको पता है कि यार ये पॉसिबल ही नहीं है, 2 बच गए हैं उनके ऊपर आप छोटा सा क्रॉस लगा लो। इसी तरह आप सारा पेपर पढ़ो, सारा पेपर आप इसी तरह से पढ़ो। कई दफा होता है कि एक क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो प्रोबेबली यूजुअली नेक्स्ट में जो है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, जो है वो नेक्स्ट में है जो मिल जाता है। अब आप नेक्स्ट पेज पढ़ो, प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर 7 का हिंट आपको अगले पेज को पढ़ने से मिल जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने डायरेक्ट इसको ओएमआर शीट पर अटेम्प्ट करना नहीं शुरू करना। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट पेज पढ़ो और इवेंचुअली आप एंड तक पढ़ो। यहां पे एंड पर देखो फॉर यूज ऑफ रफ वर्क, ठीक है, फॉर यूज ऑफ रफ वर्क जो है वो एक छोटा सा आगे स्पेस भी होगी कि अगर देखो यहां पर मैथ के छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए, कंप्लीट द नंबर सीरीज हो गया, जैसे इफ 500 रेशियो वाले क्वेश्चन आ गए हैं तो वहां पर आपने क्या करना है कि वो रफ वर्क यहां पर कर सकते हैं या फिर लेड पेंसिल से रोल नंबर स्लिप की बैक साइड पर कर सकते हैं। अगर आप शुरू में रोल नंबर स्लिप की बैक साइड पर करना शुरू कर देंगे ना, और एक और ट्रिक, आपने रोल नंबर स्लिप जो है वो 2 पेजेस पे लेनी है, रोल नंबर स्लिप आपने 2 पेजेस वाली प्रिंट आउट लेना है, उससे ये होगा कि आपके पास बैक साइड पर 2 पेज होंगे जिनके ऊपर आप इजीली रेफर कर सकते हो या चीजों को नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपने एक चीज जो है वो जहन में जरूर याद रखनी है। तो इतना प्रोबेबली उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब आपने दायरा उन क्वेश्चंस के साथ लगाया जो कि आपको 100% आते हैं। ठीक है, और आपने जो आपने वो जो क्रॉस उन पे लाया जो कि कंफ्यूज है, अब वो क्वेश्चन जो कि आपको 1 रूल आउट हुआ है और 3 में आप कंफ्यूज हैं वो आपने बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना है, ये पल्ले से बांध लें।
जिनमें दो रूल आउट हुए हैं ना, मतलब ये कि दो रूल आउट हो गया है और दो में आप कंफ्यूज हैं, उन पे सात क्रॉस लगा के जब दोबारा वापस आएंगे तो उनके उनको सोचने का मौका दें, ठीक है, अपने आप को सोचने का मौका दें उनके बारे में। दूसरों को आपने, अच्छा फर्स्ट रीड आपको समझ लगी, आपने डॉट लगाने और क्रॉस लगाने हैं। अब जो सेकंड रीड होगी आपकी, जब दूसरी दफा आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे, आपने क्या करना है, आपने सेकंड रीड के अंदर जो है वो जो मतलब आपने दायरे लगाए थे ना, जो आपको कंफर्म है क्वेश्चंस, वो ओमआर शीट के ऊपर सॉल्व कर रहे हैं। वो वाले क्वेश्चंस जिनके ऊपर आपने दायरे लगाए थे वो आप अपनी ओमआर शीट के ऊपर सॉल्व करेंगे ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाएं, ठीक है। उसके बाद आप जितना टाइम मिल सकता है, अब आपके पास जो देखो तीन रूल आउट नहीं हुए, ठीक है, जिन तीन में आप कंफ्यूज हैं वो तो करना ही नहीं है अटेम्प्ट, अगर वो अटेम्प्ट कर दिए तो नेगेटिव मार्किंग में मारे जाओगे। तो ये एक छोटा सा तरीका एकार होता है जिसके जरिए से हिंट्स जो हैं वो आपको मिलते हैं, जिसके जरिए से आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मैं समराइज करूंगा जितना भी मैंने आपको बताया है उसको कि क्या है। पहले ये कि आपने नंबर वन रीड द पेपर, एंड उसके अलावा मार्क विद सर्कल एंड क्रॉस, ठीक है ना। अच्छा अब सर्कल एंड क्रॉस, सर्कल इसके अंदर वो होगा योर 100% श्योर, मतलब जो कि आपको बिल्कुल आते हैं, ठीक है ना, योर 100% श्योर, ये सर्कल वाले होंगे। और जो क्रॉस वाले होंगे, छोटा सा क्रॉस जो लेड पेंसिल से आपने लगाया होगा, वो ऑन द आंसर शीट की बात कर रहा हूँ, ये होंगे योर 50% श्योर, यानी कि दो आपको कन्फर्म है कि नहीं आते, दो आपको पता है कि ये आपको आते हैं, योर 50% श्योर, ठीक है ना। तो ये वाले यहाँ पर आ जाएंगे 50% श्योर वाले। अच्छा अब सेकंड ये होगा, यू आर गोइंग टू रीड इट सेकंड टाइम, ठीक है ना, सेकंड रीड आप उसको देंगे, फर्स्ट रीड हो गई, फिर आप सेकंड रीड होंगे, सेकंड रीड के अंदर आप अटेम्प्ट द सर्कल, ठीक है, जिसके आप छोटा सा डॉट लगाया होगा क्वेश्चन से पहले, ठीक है, शुरू में, तो वो आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा थर्ड जो है वो आप थर्ड रीड के अंदर आप अटेम्प्ट करेंगे अटेम्प्ट द क्रॉस्ड, जो आपने क्रॉस किए हुए हैं उनको अटेम्प्ट करोगे। और जो फोर्थ रीड होगी उसके अंदर आप क्या करोगे, मेक श्योर अवॉइड 100%, ये रूल बल्कि बना ले, फोर्थ ना करें, रूल बना ये, नेवर अटेम्प्ट वेयर, जहां पे यू आर नॉट श्योर अबाउट, वेयर यूर नॉट 50% श्योर, जिसमें आप 50% श्योर है वो आपने भूल के भी अटेम्प्ट नहीं करना वरना मारे जाओगे। ये मैं आपको नचोड़ बता रहा हूँ सब लोगों का जो कि बीपीएससी का टेस्ट पास करते हैं, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो आपके लिए टिप्स हैं पेपर अटेम्प्ट करने की, आप उम्मीद करता हूं कि आपको पता लग गया होगा। दूसरा ये कि आपने पढ़ना किधर से है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बच्चे पूछते हैं कि जी सर हमने प्यार पढ़ना किधर से है, अब इसका वे टू स्टडी, अब इसका सिंपल आंसर है कि एमएससी और बीएससी की बीएस की बुक्स, तो एमएससी प्लस और या फिर बीएस की बुक्स, दोनों का तकरीबन सेम जो है वो रिकमेंडेड बुक्स हैं, तकरीबन सेम रिकमेंडेड बुक्स हैं इन दोनों की, ठीक है ना। तो इसलिए आपका इसमें, अब इसमें एडअप क्या होता है, आपकी बीएससी की बुक्स, अब बीएस में वो सारी बुक्स आ जाती हैं, अब बीएससी की बुक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ज़ूलॉजी के लिए वो मिलर एंड हार्ले है, और मिलर एंड हार्ले आपके ज़ूलॉजी के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली जो डाइवर्सिटी का पोर्शन है वो 100% आता ही मिलर एंड हार्ले से है, लेकिन वो आपको मिलर एंड हार्ले आप याद कर लो ना तो ज़ूलॉजी आप पास कर जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आपने एलोकेट होना है, आपने सीट निकालनी है, तो आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, और वो अच्छी तैयारी किधर से होगी, ये आपकी बीएस और एमएससी की बुक्स से, ठीक है। तो ये ट्रिक होता है जिसकी वजह से कुछ लोग पास तो कर जाते हैं लेकिन एलोकेट नहीं पा जाते, क्योंकि उनमें डिफरेंस होता है ना। दूसरा आपकी एफएससी की बुक्स, ठीक है। अब हमारे मतलब ये कि जो ज़ूलॉजी वाले लोग होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है बॉटनी के लिए गो थ्रू करना, तो जो बॉटनी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप इधर से मिल जाते हैं, तो गो थ्रू ऑल ऑफ इट, ठीक है ना, एफएससी की गो थ्रू देम, बिल्कुल टोटली उनसे गो थ्रू करें, वो आपको बहुत हेल्प करती हैं बॉटनी के पेपर के अंदर। और देखें आपने अपनी क्या करना है कि स्ट्रेंथ्स पे प्ले करना है, तो ये जी आपको मैंने बुक्स बताई हैं। अब जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो मैं कौन किन बुक से तैयारी कराऊंगा, वो मैंने आपको अपने ब्रेकअप प्लान में बताया भी हुआ है कि किस तरह से हम जो है वो पढ़ेंगे, तो वो डिस्कस करते हैं कि हमने पढ़ना जो है वो हाउ टू स्टडी, कि हमने पढ़ना कैसे है, how we are going to study. अच्छा अब इसके सिंपल मेथड है, कोई नहीं है, आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है MCQs की, प्रैक्टिस ऑफ MCQs। अच्छा दूसरा इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपने गो थ्रू करना है एमएससी और बीएस के कोर्स वर्क से, मतलब ये कि मास्टर्स का जो आपका कोर्स वर्क है, कोर्स वर्क उसकी बुक्स जो आपने पढ़ी हुई है, तो मतलब यू हैव टू प्ले योर स्ट्रेंथ, आपने अपनी स्ट्रेंथ पर खेलना है। अगर बायोकेमिस्ट्री नहीं आती तो टेस्ट से पहले बायोकेमिस्ट्री याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फिजियो डेव या मिलर हार्ले वगैरह आपको आती है तो यू मस्ट गो देयर, ठीक है, तो आपने फिर वहां पर आना है, अपनी स्ट्रेंथ पर प्ले करना है, ये आपने बात अच्छी तरह से जहन में रखनी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमसे यूजुअली क्वेश्चन किया जाता है, अच्छा एमसीक्यूज की मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे मैंने जो आपका प्लान बनाया है
उसके अंदर आपको नजर आएंगी कि जो बुक्स इंपॉर्टेंट मैंने डिसाइड की है, जो कि ये मतलब डिफरेंट जो पीपीएससी के बनाने वाले लोग हैं उन लोगों से यूजुअली जो इंटरव्यूज में बैठते हैं टीचर्स, हमारे ही वो टीचर्स होते हैं पीयू के पढ़े हुए या जीसी फैसलाबाद का है कोई सरगोधा का है, तो उनसे डिस्कस करने के बाद कि जी कौन सी बुक्स जो है वो अगर एक बुक डिसाइड करें तो कौन सी अच्छी है, तो उन्होंने कुछ बुक्स रिकमेंड की थी कि जी ज्यादातर पोर्शन इन्हीं में से ही आता है आफ्टर द रिसर्च जो है वो हमने डिसाइड किया समझ ये लगती है। तो ईजी है समराइज करना, मतलब ये कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले कि यू हैव टू प्ले ऑन योर strength, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्ट्रेंथ, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें अच्छी तरह से अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर। नंबर टू, आपने प्रैक्टिस करने हैं मैक्सिमम एमसीक्यूज, प्रैक्टिस एमसीक्यूज। नंबर थ्री, उसके अंदर आएगा कि आपने जो है वो बीएस या जो कोर्स आपका कोर्स वर्क है, ठीक है ना, बीएस या एमएससी का जो कोर्स वर्क है प्लस जो आपके एफएससी या बीएससी है, ठीक है ना, या बीएससी है, ये चीजें जो है वो अल्टीमेटली आपको जो आती हैं उनको गो थ्रू करेंगे। ये तो ओवरऑल जो मुश्किल चीजें हैं वो तो एमसीक्यूज में आपको मिलेंगी ना, लेकिन जो आपको चीज आती हैं उनको भी आपने प्ले करना है और उनकी भी तैयारी आपने उसी तरीके से ही करनी है। तो ये एक क्वेश्चन जो कि मतलब तीन क्वेश्चन हो गए हैं कि हमने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब ये कोर्स हमारा कितना कवर करेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन बनता है ना कि सर ये कोर्स जो है ये कितना आप कितना कोर्स कवर कराएंगे। तो अगर तो कोई कहे कि जनाब मैं आपको 6 ईयर्स कोर्स कवर करवा दूंगा इन मतलब ये कि 5 वीक्स, तो ये तो एब्सोल्युटली फॉल्स है, ठीक है ना, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, आप नहीं करवा सकते, ठीक है। लेकिन आपको जो सिलेक्टिव और इम्पोर्टेंट स्टडी होगी रिगार्डिंग आफ्टर द रिसर्च, जो कि आफ्टर रिसर्च जो है वो मैं एस्टेब्लिश करूंगा, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होगी सिलेक्टिव और इंपॉर्टेंट स्टडी रिसर्च के बाद, जिसके अंदर मैंने बुक्स का आपको रेफरेंस दे दिया कि ये बुक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप इस काबिल हो सकते हैं, हो जाते हैं कि आप जो है वो कम अज कम उस टेस्ट में जो है वो 60 to 80 के दरमियान, 60 to 80 के दरमियान सिलेक्शन है, प्रॉपरली सिलेक्शन है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो ये इसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है कि ये कोर्स जो होगा ये ज्यादातर प्रैक्टिस ओरिएंटेड होगा, प्रैक्टिस एंड रिवीजन ओरिएंटेड। उसमें हम हर सब्जेक्ट को टच करेंगे, चाहे आपको बायोकेमिस्ट्री आती है या नहीं आती, ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि आपने अपनी स्ट्रेंथ पे प्ले करना है, वो आपने तब प्ले करना है जब आपके पेपर को एक हफ्ता रह जाएगा, फिर आपने वो चीजें पढ़नी है जो कि आपने पहले से पढ़ी हुई हैं, रिवाइज करनी है, उन्हें जैनिशी करना है एक दफा, जीके की भी और सब्जेक्ट की भी, ठीक है। तो वो तो सिर्फ डेफिनेटली उसी से रिलेटेड है, उसमें ये नहीं है कि जनाब मैंने सिर्फ जो है वो अब जो नहीं आता वो भी पढ़ना है, वो एक हफ्ते पहले की बात है। उसके अलावा हम जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप होगा, ये नहीं कि अब कोर्स खत्म हो गया है तो वी विल लीव इट, लेकिन उसके बाद हम उसके अंदर जो न्यूमोनिक स्टडीज होती है जिसके अंदर डिफरेंट मतलब ये कि शॉर्टकट्स हम यूज करते हैं डिफरेंट चीजों को याद रखने के लिए रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट एंड जीके, वो आपसे स्टडी होते जाएंगे। उसके अलावा जो लेटेस्ट पेपर होंगे ऑफ पीपीएससी वो भी आपसे स्टडी किए जाएंगे, जो अभी रिसेंटली हुए थे, तो मे भी उससे जो है वो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हमारा जीके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता से प्रिपेयर होता जाएगा। तो ये हमारा मेथड होगा कि हम इस तरह से स्टडी करेंगे और कोर्स हम कितना कवर करेंगे ये भी मैंने आपको बता रहा है। तो इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि कॉन्स्टिट्यूट करती होगी और उनमें से एमसीक्यूज और ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज ये हमारे व्हाट्सएप से रिलेटेड ग्रुप का हिस्सा होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि जीके की कितनी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है कि हाउ इंपॉर्टेंट इज द जीके। अच्छा, अब जो एक बंदा होता है ना, डिफरेंस होता है द वन हु पासिस द एग्जाम और द वन हु गेट्स एलोकेटेड, उसमें फर्क होता है, दोनों में ये फर्क होता है कि क्लियर डिफरेंस होता है कि वो पहले रिटन से ही जीके के अंदर जो है वो डिस्टिंग्विशिंग जो है होना शुरू हो जाता है, और बाद में जब वो इंटरव्यू में बैठता है तो आपको पता है कि इंटरव्यू का मेजर पोर्शन होता है जीके। जीके के अंदर अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस होगा और वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपकी पर्सनालिटी और आपके मतलब ये कि जनरल अवेयरनेस को टैकल करने के लिए, क्योंकि जो इंटरव्यू का पैनल होता है ना उसके अंदर टेस्ट में तो 20 नंबर आई है ना, तो इससे तो आप इंपॉर्टेंस को डिनाई कर ही नहीं सकते कि एक स्टूडेंट है जिसने जुअलॉजी पढ़ी है, बायो पढ़ी है, 6 साल की किताबें पढ़ी हैं, और सिमिलरली एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने उतना कुछ ही पढ़ा हुआ है, तो जो है दोनों में क्लासेस की टाइमिंग वगैरह अभी थोड़ी देर तक डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा जब हम डिस्कशन की तरफ आएंगे। अब दोनों ने सेम पढ़ी हुई हैं चीजें, लेकिन दोनों में डिफरेंस फिर क्या हुआ, दोनों ने सेम कोर्स पढ़ा हुआ है, सेम किताबें पढ़ी हुई हैं, मेजरली सेम टीचर से पढ़ा हुआ है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस आता है जीके का,
ठीक है, तो जीके जो है वो अल्टीमेटली डिस्टिंग्विश करता है, और ये सिलेक्शन की एक तरह से, मतलब अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मेरा अपने दूसरे कैंडिडेट्स के मुकाबले में जीके बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, ठीक है, ड्यू टू सीएसएस पीएमएस और दूसरे एग्जाम्स की वजह से, और ये चीज मुझे बहुत हेल्प की इंटरव्यू के अंदर और डिस्टिंग्विश होने के लिए थ्रू आउट द रिटन एग्जाम्स जितने भी मैंने आज तक दिए हैं उनके अंदर। तो जीके फॉर मोस्ट के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतनी ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, जब ये कि अब ये क्वेश्चन, बल्कि अब ये क्वेश्चन बनता है कि जीके जो है वो आपने सेपरेट क्लासेस क्यों रखी है। देखो आप फॉर एग्जाम्पल जो इसके अलावा भी BS 17 एंड BS 14 और इससे जो कम वाली जॉब्स हैं और लोअर ग्रेड जॉब्स, ये आती हैं थ्रू PPSC एंड FPSC। अगर आप ये वन पेपर वन अगर आपका मतलब जीके अभी से तैयार करना शुरू कर दें और आप वन पेपर को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, इफ यू प्रिपेयर योर वन पेपर 100% भी, जो के होता ही 100%, मतलब ये के जीके है 100% जीके होता है, तो फॉर एग्जाम्पल, और नॉलेज आपको पता है कभी भी नुकसान नहीं देता, तो जीके से क्या होता है, आप जीके अच्छी तरह से प्रिपेयर करने की वजह से किसी ना किसी अच्छी जॉब में एडजस्ट हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 16वें स्केल पे नहीं जाता, असिस्टेंट वगैरह की या फिर पर्सनल असिस्टेंट की ढेर सारी जॉब्स आती हैं, इसके अलावा भी मुख्तलिफ किस्म की जॉब 16 स्केल में एजुकेटर्स वगैरह की वो आती रहेंगी, तो वो मतलब एक असिस्टेंट आपका असिस्टेंट हो गया, एजुकेटर्स हो गया, ये डिफरेंट किस्म की जॉब्स जो है वो आती रहेंगी। लेकिन इसके अलावा जो वन पेपर होता है जो कि 100% जीके से रिलेटेड होता है, वो नैब के रिलेटेड जॉब्स हैं, उसके अंदर आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिलेटेड बात है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड जॉब है, FPSC के मेजर पेपर से रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स हैं। तो उससे आपको फायदा क्या होता है जब आप ये जॉब हासिल करते हैं, नंबर वन कि आपकी एज सिक्योर हो जाती है, तो बाद में आप 17 स्केल की जॉब चाहे वो FPSC की हो या PPSC की हो उसको इजिली अवेल कर सकते हैं। एज सिक्योर पहला उसमें आपको एडवांटेज होता है, दूसरा एडवांटेज एज सिक्योर होने के बाद आपको ये होता है कि आप डिफरेंट किस्म की एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाते हो। फॉर एग्जांपल आप प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल किसी के लिए एक्सपीरियंस होता है, हेडमिस्ट्रेस के लिए, या फिर स्कूल लेवल पे, इसके अलावा किसी भी महकमे में, अभी एक मिनिस्ट्रियल कोटा फॉर एग्जांपल मैं, इसके लिए बहुत अच्छी जॉब्स होती है, वो होती है मिनिस्ट्रियल कोटा, तो जो ये इक्वल टू PMS के होता है, ये इक्वल टू PMS के इक्वल होता है, और आपकी SO या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स आपको मिलती है, और ये CSS और PMS वालों को भी वही जॉब मिलती है जो कि बाद में एक्सपीरियंस की बेस पर बिलो 17 ग्रेड वाले लोग यहां पर, तो एज सिक्योर। इसके अलावा आपके ऊपर जो है वो वाइडेंस द मतलब ये कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो अपॉर्चुनिटीज का जो है वो वाइडेंस हो जाती है, वो खुल जाता है, आप मतलब तरह से मुख्तलिफ चीजों को डिसाइड कर सकते हैं अपने करियर के मैंने आके क्या करना है। अच्छा, तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो डिस्कशन के लिए एलिमेंट आता है, वो ये है कि जी क्लास की टाइमिंग और रूल्स क्या होंगे। ठीक है, तो मैं बता चुका हूँ कि डिस्कशन प्लस लेक्चर, पहले लेक्चर होगा जैसे आज हम कर रहे हैं कि पहले मैं बोल रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, सारी गो थ्रू कराऊंगा आपको चीजों को, ठीक है, फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो कर लें, तो उसके बाद टाइमिंग। अब टाइमिंग जो है वो हम मुझे मेरी एक विंडो जो कि क्लोज होती है वो है 4 to मतलब ये कि 5 4:30 कर लें, 4:30 to 6:30, ठीक है ना, 4:30 to 6:30 जो है वो मेरे पास वक्त नहीं होता। इसके बाद आप चाहे मॉर्निंग में रखें, इससे पहले रखें, ये टाइमिंग हमें जो ये आप पे मैं छोड़ता हूँ, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जो भी डिसाइड करेंगे रिगार्डिंग द टाइमिंग वो हम फाइनल कर लेंगे, अगर आप सीरियस हैं ये काम करने के लिए तो उसके लिए। तो टाइमिंग वाला इशू भी डिस्कस हो गया, आप पूछ रहे थे कि टाइमिंग, तो जनाब ये हम व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जूम जो है ये मतलब ये कि ऑनलाइन प्रिपरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द किसी और रेफरेंस में, दूसरी पहली बात कि आप ऑनलाइन प्रिपरेशन से रिलेटेड जो है वो शेयरिंग इजीली कर सकते हो, ठीक है ना, तो बुक्स शेयर करना, मटेरियल शेयर करना, दूसरा व्हाट्सएप के थ्रू डाटा शेयर करना, आप मैप्स का यूज कर सकते हो जीके के लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप डायग्राम्स का यूज कर सकते हो, इवन के वीडियोस दिखा सकते हो अगर कोई इंपॉर्टेंट आपको मिल जाए, वैसे उस तरफ जाऊंगा नहीं। और दूसरा ये कि जो है वो आप एक डिस्कशन वगैरह जो है वो कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर, आप जानते हैं कि अभी मैं अपनी स्क्रीन कंप्यूटर की आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, तो ये मुझे हेल्प करेगा, कर रही है, मैं जो भी यहाँ पर प्ले करूंगा या चलाऊंगा वो इवेंचुअली हेल्प करेगा आप लोगों को, ईजी होगा अंडरस्टैंड करना, तो ये सारा जी इसी की वजह से मुमकिन है जो आपकी ऐप्स है उसकी बदौलत ही। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इससे आपके जो कि यूजुअली मैंने ओरिएंटेशन में भी डाला था कि हम आंसर करेंगे कि जो है वो ऐप जो है वो यूज सारे आपको पता चल गया, आज आपके ओरिएंटेशन में पता भी हो गया कि किस तरह से काम होगा। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है जी डिस्कशन और व्हाट्सएप ग्रुप की, तो सबसे पहले तो उसके अंदर आती है आपकी जो है वो रिवीजन, ठीक है ना, रिवीजन आती है, दूसरा MCQs की प्रैक्टिस, ठीक है, और तीसरा उसके अंदर डिस्कशन आती है। आपने ये याद रखना है कि आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे नॉलेज उतना ही ज्यादा आपका नॉलेज जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, जितना ज्यादा आप नॉलेज शेयर करेंगे इट विल इंक्रीज योर
नॉलेज, ठीक है ना। तो इस मामले में कभी भी आपने नहीं रुकना कि जी मैं अपना नॉलेज ना शेयर करूं, क्योंकि अल्टीमेट जो डिफरेंस होता है ना वो आपका क्रिएट होना है, चाहे जो मर्जी कर लें, वो आप मेरी प्रेजेंटेशन भी देख लें यूट्यूब पे, वो अल्टीमेट डिफरेंस जो है वो इंटरव्यू की बेस पर होना है, ठीक है ना। इंटरव्यू की बेस, 100 नंबर का आपका इंटरव्यू है वो उसकी बेस पर होना है। तो इस मामले में ना पढ़ेंगे मतलब ये कि कंबाइंड स्टडी करें, एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करें, तो उसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि जी हमारा ब्रेकअप प्लान क्या होगा, हम कैसे पढ़ेंगे और मेथड क्या होगा मतलब ये कि तैयारी का। तो ब्रेकअप प्लान मैं आपके सामने मतलब ये कि डिस्कस कर चुका हूँ कि ये जी हमारा ब्रेकअप प्लान होगा, और अल्टीमेटली हम संडेज को भी छुट्टी नहीं करेंगे। संडेज को भी मैं आपको एक तो पीपीएससी का पास पेपर भेजूंगा जो कि 2012, 2015, 2017 के होंगे, और इसमें कवर हो जाएगा। और दूसरा उसमें जो है वो, हाँ जी देखें जी, मैंने आपको भी पास पेपर्स भी दिखाया है, मैथ का भी पोर्शन होता है, 5 क्वेश्चंस देखो ये आपके सामने है, 5 क्वेश्चंस ज्योग्राफी, या 5 से 3 क्वेश्चंस ज्योग्राफी, 5 से 3 क्वेश्चन पाक अफेयर्स, ठीक है। उर्दू से भी क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल मैथ, एनालिटिकल भी क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। लेक्चर से कुछ एग्जाम में पिछली दफा एनालिटिकल भी कभी क्वेश्चन आए थे, फॉर एग्जाम्पल वो भी हम मतलब ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, मुश्किल नहीं होते, लेकिन अगर आपने इनकी प्रैक्टिस ना की हो तो पॉसिबल ही नहीं कि आप इन्हें सॉल्व कर सकें, ठीक है। इस्लामियात से आते हैं, करंट अफेयर से हल्का फुल्का टच आ जाता है, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली आपको लीड करेगा सारा प्रिपरेशन का मेथड टुवर्ड्स द मॉक टेस्ट। इसीलिए देखो 1 घंटे 45 मिनट्स की क्लास हमने रखी होगी जीके की, और 45 मिनट्स की क्लास रखी होगी सब्जेक्ट की, ताकि अगर कोई बच्चा सिर्फ जीके भी प्रिपेयर करके, मैं जी सब्जेक्ट खुद से प्रिपेयर कर सकता हूँ कर लूंगा, तो वो सब्जेक्ट अलहदा से प्रिपेयर कर ले, जीके अलहदा से प्रिपेयर कर ले। तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब मेरे पास इससे रिलेटेड जो है वो डाटा भी सारा मौजूद है, मतलब एवरीथिंग इज प्लान के प्रिपरेशन से रिलेटेड, आपकी एनालिटिकल से रिलेटेड, पर्सनल नोट्स भी मेरे मौजूद है, बायोलॉजी और इससे रिलेटेड आपको टेक्स्ट बुक्स और टेस्ट जो है वो मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट वाइज जो है वो रेडी हैं, इंग्लिश ज्योग्राफी उसके अंदर बहुत सारी। आपको 45 मिनट्स जो है वो जीके के लिए इन सब सब्जेक्ट्स के लिए सेपरेट होगा, और 45 मिनट्स जो है वो दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए वो सेपरेट होगा। तो ये आपका मतलब दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि फोल्डर वाइज मैंने सारी चीजें रखी हुई हैं, ये हेल्प करेंगी हमें प्रिपेयर करने के लिए, एंड एवरीथिंग इज रेडी, ताकि हमारे किसी किस्म का स्टॉप जो है वो ना आए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें जो है वो वन बाय वन समझ लग गई होंगी कि क्या चीज डिस्कस की जा रही है। अच्छा, अब आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन कर लें, बाकी ये जितना लेक्चर है ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है, उसको मैं एडिट करके अच्छी फॉर्म में जो है वो ग्रुप में भी शेयर करूंगा, और कोशिश करूंगा कि यूट्यूब में भी शेयर करूँ, ठीक है जी। तो अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं जी कर लें जी, आप पूछें जी क्वेश्चन। सर, जी, अगर हम जूलॉजी और बायोलॉजी में अप्लाई करते हैं तो हमारे इन केस अल्लाह ना करे कुछ ऐसा वैसा हो गया तो हमारे 2 चांस मिस होंगे कि एक कंसीडर होगा ये। जूलॉजी के जो चांसेस हैं वो सेपरेट है, ठीक है ना। तो अच्छा जो बायोलॉजी का सेपरेट है वो चांस है वो सेपरेट है। अगर आप बायो अच्छा पर चांस कंसीडर होगा तो बायोलॉजी सेपरेट आपका फर्स्ट चांस होगा, और जूलॉजी जो होगा वो सेपरेट। अगर आप बायो फेल करते हो ना तो दैट विल बी आपका एक चांस आया हुआ है, अगर जूलॉजी फेल करते हो तो वो जूलॉजी का एक चांस आया हुआ, नेक्स्ट टाइम सेकंड होगा, ठीक है। तो देखो आपने इस चक्कर में नहीं पढ़ना, देखो अब लास्ट टाइम जो जॉब आई थी ना तो 2012 में आई थी, उस वक्त मेरी एमएससी कंप्लीट नहीं थी, ठीक है, मेरी एमएससी कंप्लीट, तो मैं एलिजिबल नहीं था। फिर लास्ट टाइम फिर जॉब आई 2015 के अंदर, ठीक है, उस वक्त मेरी एमएससी कंप्लीट थी लेकिन मैं टीएसएस की तैयारी में था तो मैंने उसको नहीं दी, तो मेरी जिंदगी में ये 2 चांस हो गए। फिर आई 2017 में, ये फर्स्ट टाइम मैं अपीयर हुआ, मेरी एमएससी कंप्लीट थी, मैं मतलब पीएचडी में एडमिशन लिया था मैंने, तो ये मैंने पास किया और मेरी एलोकेशन होगी, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये मेरी जिंदगी है तकरीबन, अभी नेक्स्ट जॉब जो है वो आपकी 2020 में आ रही है, अब जी 8 सालों बाद जॉब आई है, इतनी देर में तो बंदा वैसे भी ओवर एज हो जाता है, तो चांसेस आपने सारे अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या करनी है, ठीक है, कोशिश ये करनी है कि जो भी आप अटेम्प्ट करें वो आपने पूरी जान से अटेम्प्ट करनी है और तैयारी करके अटेम्प्ट करनी है, और अगर नहीं भी होते तो ये वाला पॉइंट मेरा आपने याद रखना है, आपने अपनी एज सिक्योर करनी है, किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में आना है, ठीक है जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक सवाल है कि 2012 में मैंने अप्लाई किया था बायोलॉजी और जूलॉजी के लिए, मेरी एमएससी कंप्लीट नहीं थी और मैं अपीयर हुई थी लेकिन क्लियर नहीं हुआ। फिर 2015 में मैंने जूलॉजी और बायोलॉजी के लिए अप्लाई किया, बायोलॉजी मेरा क्लियर हो गया, जूलॉजी मेरा क्लियर नहीं हुआ, और बायोलॉजी के इंटरव्यू में मेरा फिर उसके बाद क्लियर नहीं आगे हुआ। 2017 में आई, देन मैंने अप्लाई किया सेम, मेरा बायोलॉजी फिर क्लियर हो गया, जूलॉजी भी क्लियर हो गया, और दोनों के इंटरव्यूज जो है उनमें रह गए। अब फिर मेरा ये चांस, मैं अप्लाई कर सकती हूँ जूलॉजी बायोलॉजी में, अच्छा मतलब क्या होगा या नहीं, ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे वन बाय वन आपने ना अब इसको बताना है दोबारा से। देखो 2012 में जी आपने ठीक अप्लाई किया था तो बायो, अप्लाई गई हाँ जी, आपने एग्जाम दिया था बायो का? जी दिया, बायो का भी दिया था, जूलॉजी का भी दिया था, ठीक पास है, नहीं हुआ था। दोनों पास नहीं हुए थे, ठीक है, तो आपकी एक एक अटेम्प्ट होगी काउंट। अच्छा, 2015 में बायो का,
बायो का भी दिया था और जूलॉजी का भी दिया था, बायो का क्लियर हो गया था जी और जूलॉजी का नहीं हुआ था। लेकिन आप इंटरव्यू में गई थी बायो के, इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी? इंटरव्यू में गई थी, हाँ जी कॉल आई थी, एलोकेशन नहीं भी दिया। एलोकेशन नहीं हुई। अच्छा, और जूलॉजी का? जूलॉजी का, जूलॉजी का जो है उसका भी कॉल आई थी और इंटरव्यू भी दिया था और आगे नहीं हुई थी। अच्छा, इंटरव्यू में आपको मार्कशीट आई थी, पास थी उसमें? 2017 वाले में मार्कशीट आई थी, 2015 वाला था उसमें मार्कशीट नहीं थी, उसमें जस्ट वो लिस्ट में नाम आया था जो 17 में आए थे ना उसमें था आपके इतने मार्क्स सर, वो मार्कशीट सर पूरी डिटेल आई थी। अच्छा ठीक है, 2015 में जो आपका 2015 का था बायो, आप इंटरव्यू तक गई थी ना आप? ठीक है जी, इंटरव्यू तक गई थी। लेकिन 2012 में आप दोनों में फेल हुई थी? जी फेल हुई थी। ठीक है, तो ये आपकी भी एक अटेम्प्ट काउंट होगी। ठीक है, अच्छा अब बायोलॉजी की एक, अच्छा बायो की भी, बायो की जी भी। अच्छा, अब 17 में आए, यहाँ पे क्या हुआ था? 17 बायो का क्लियर हुआ, जूलॉजी का नहीं हुआ जी। ठीक है, और बायो के इंटरव्यू में फिर मैं रह गई। इंटरव्यू में फेल्ड लिखा आया था एंड पर? नहीं, एलोकेशन ही नहीं हुई थी, यानी लिस्ट में 17 हाँ जी सीट्स थी तो मेरा नाम बहुत नीचे था। हाँ जी, ये इसमें फिर ये रिजल्ट आपका 2017 के तबार से ये निकलता है कि आपकी जो बायो की है वो एक अटेम्प्ट हुई है अभी। ठीक है, तो बायोलॉजी की वन अटेम्प्ट हुई है और आपकी जूलॉजी की जो है वो दो अटेम्प्ट हुई है। ठीक है ना, दो अटेम्प्ट। तो ये आपकी, अगर आप खुदा ना वास्ता फेल होती है तो जूलॉजी की आपकी लास्ट अटेम्प्ट होगी। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखें। ठीक है, तो अब फेल नहीं होना। और दूसरा ये कि जो बायोलॉजी की है ये आपके पास दो अटेम्प्ट मौजूद है, ये आपकी सेकंड अटेम्प्ट होगी। तो जब आप फिल करें अपना फॉर्म तो बायोलॉजी की लिखेंगी सेकंड अटेम्प्ट और जूलॉजी की लिखेंगी थर्ड अटेम्प्ट। ठीक है, बल्कि जो कि देखें आप कोशिश करें दोनों की सेकंड सेकंड लिख दें। ठीक है, बाद में जब वो इंटरव्यू से पहले कॉल करते हैं ना, इंटरव्यू से पहले तो वो आपका डाटा सारा चेक करते हैं। तो कई जैसे आप बता रही हैं कि 2015 में लिस्ट नहीं आई थी, ठीक है, तो हो सकता है उनसे तो कोई डाटा मिस हो गया हो, कंप्यूटर है, गलती कर सकता है। तो आपने जूलॉजी की थर्ड अटेम्प्ट नहीं लिखनी, आपने बायो की भी सेकंड लिखनी है और जूलॉजी की भी सेकंड लिखनी है उसको, मतलब अप्लाई करते हुए। अगर अप्लाई किया हुआ है तो उसको एडिट कर लें। ठीक है, सेकंड सेकंड दोनों अभी नहीं किया, अभी नहीं किया। एक और साथ क्वेश्चन जुड़ा हुआ था कि मैंने एसएस के लिए किया था और वो भी इंटरव्यू में जाके नहीं हुआ था, तो वो तो फिर इसमें काउंट नहीं होगी ना, वो सेपरेट होगी? नहीं, हाँ जी वो सेपरेट होगी, वो इसके अंदर नहीं है। ठीक है ना, तो ये सिर्फ लेक्चर के लिए स्पेसिफिक है, तो वो इस पे बारे में फिक्र ना करें, वो सिर्फ लेक्चर के लिए स्पेसिफिक है और एसएस जो है वो अलग चीज है। तो क्लियर हो गया जी। अब और कोई क्वेश्चन जो है वो सर जी, सर अगर हम आपके थ्रू तैयारी करें तो हमारी मैक्सिमम तैयारी हो जाएगी ना, मतलब आप पे सारा कुछ छोड़ दें कि आप हमारी तैयारी करवा देंगे सही से, मतलब खुद हम हार्डवर्क करेंगे, मतलब खुद हार्डवर्क करेंगे जो आप करवाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप करवा देंगे ना? आपने बस वो व्हाट्सएप थ्रू ग्रुप के थ्रू जो है वो प्रॉपर्ली मतलब इन टच रहना है। ठीक है, तो बाकी मैं छोड़ूंगा नहीं आपसे, मतलब ये कि जितना काम दूंगा वो चेक भी हुआ करेगा। ठीक है ना, तो उसमें फिर ये कि अगर वही कर लें, अगर मैं आपको सिंपल बात बताऊं ना कि अगर 7 मल्टीप्लाइड बाय आप करें ना, अगर हम रोज के 100-200 एमसीक्यूज करें, ठीक है ना, 200 MCQs, और उसको मल्टीप्लाई आप कर लें, अगर हम 5 हफ्ते में तैयारी का कह रहा हूँ जो कि हम दिन रात करेंगे, तो ये कितने बन जाते हैं? ठीक है, बाकी उसके अलावा भी फाइनल एग्जाम तक जो है वो हम जारी रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो उसका हिस्सा होंगी, उसमें बारे में परेशान नहीं होना। तो ये 7,000 तो MCQs ये आपने ऐसे ही तैयार कर लिए जीके के और उसके, और ये आप अपना एक फोल्डर बनाओगे, एक फाइल बनाओगे जिसमें लगाते जाओगे ताकि एग्जाम से पहले एक दफा इनसे गो थ्रू हो जाओ। ठीक है, तो 7,000 इस बंदे ने MCQ तैयार किए हो, वो मतलब कैसे कैसे रह सकता है टेस्ट में जी? इंशाल्लाह सर, कितना टाइम होता है ये अप्लाई करने में और टेस्ट में अपीयर होने में? देखिए जी, 8 सितंबर जो है वो लास्ट है। ठीक है, तो इससे पहले पहले आप अप्लाई करें, अगर आपसे कुछ गलत हो भी जाता है तो 8 सितंबर से पहले अगर कुछ फॉर एग्जांपल जैसे गलत लिख दिया है कुछ, तो वो उसको आप एडिट भी कर सकते हो, एडिट करने का मैं तरीका बता दूंगा, तो परेशान नहीं होना इस मामले में। ठीक सर, एक क्वेश्चन था जी, कितनी दफा होता है कि हम अटेम्प्ट कर सकते हैं टेस्ट? कोई होता है कि मतलब दो दफा कर लिए तो उसके बाद नहीं करना, उसके बाद चांसेस खत्म हो जाते हैं? नहीं, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि अटेम्प्ट से रिलेटेड, मैं बल्कि आपको ग्रुप के अंदर भी डाटा सेंड करूंगा कि इस तरह से अटेम्प्ट होती है। अभी भी मैं बता देता हूँ कि अटेम्प्ट और चांस से रिलेटेड क्या होता है। देखो, आपने दिया है टेस्ट, ठीक है, और रिटर्न, दो पोर्शन है, रिटर्न और इंटरव्यू। अगर आप दोनों में से कुछ भी फेल करते हो, ठीक है, तो अटेम्प्ट काउंट होगी। इफ यू फेल एनीथिंग, इफ यू फेल एनी पार्ट, एनी पार्ट, योर अटेम्प्ट विल काउंट। ठीक है ना, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप पास कर जाओ, लेकिन आप इफ यू हैव पास्ड द टेस्ट स्लैश इंटरव्यू, लेकिन आपको एलोकेशन नहीं हुई, या फिर और यू आर नॉट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, ठीक है, या एलोकेशन नहीं हुई या इंटरव्यू के लिए आपको कॉल नहीं किएगी, तो आपकी अटेम्प्ट काउंट नहीं की जाएगी। ठीक है ना, तो इट विल बी नॉट काउंटेड। ठीक है, आप फेल हुए, सिंपल सा फॉर्मूला है, फेल हुए चाहे टेस्ट हो या इंटरव्यू, आपकी अटेम्प्ट काउंट हो जाएगी, नहीं फेल हुए तो नहीं काउंट होगी जी। सर इंशाल्लाह।
रोटेशन करेंगे। ठीक है जी, बच्चा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर जनरल नॉलेज के लिए कोई बुक्स जो हो बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, उसके वाले से देखो जीके जो है ना, जीके प्रिपरेशन ये आपको इस तरह से नहीं होती कि आप बुक ले लें और रटा मारना स्टार्ट कर दें, ऐसे नहीं होता। जीके जीके आपको जो ब्रेन होता है ना वो आपका काम करता है थ्रू इंटर कनेक्टिविटी। जब आप इंटर कनेक्टिविटी करते हैं ना चीजों की, तब चीजें आपको समझ लगना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ज्योग्राफी बनाना शुरू करता हूँ, लाइक मैं ये कहता हूँ कि आपके साथ ये स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान का ज्योग्राफिया जो है वो आपको बच्चों आना चाहिए, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मैप ऑफ पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो है वो लेटेस्ट इश्यूज जो है वो कौन से आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि ज्योग्राफिया कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करेंगे आप जीके के, जीके कैसे प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, अब आपके पास पाकिस्तान का मैप आ गया, अब जो लेटेस्ट इशू है आपको पता होना चाहिए कि जी वो बर्मा के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, ठीक है, तो आप पाकिस्तान से यू मशरक की तरफ आएंगे, तब आपको समझ लगेगा पाकिस्तान के, मतलब ऊपर पड़ा था ना पाकिस्तान के मशरक में इंडिया, ईस्ट में इंडिया और मगरब में भारत, तो मशरक से आए आपको नजर आ गया कि ये ऊपर नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, और ये आप बर्मा में पहुंच गए, बर्मा में पहुंच गए ना। अब इसका आप कैपिटल देख रहे हैं क्योंकि वो पूछ सकता है करंट अफेयर्स में है, ये है नेपिटिया, ठीक है ना, नेपिटा इसका कैपिटल है, रिसेंटली चेंज हुआ है तो ये पूछ सकता है, इससे पहले रंगून था पुराना कैपिटल। तो देखो ये इंटरकनेक्टिविटी से आपको, अब आपको कभी नहीं भूलेगा, ये देखो पाकिस्तान के मशरक में इंडिया, इंडिया के साथ बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ बर्मा है, बर्मा का बर्मा मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहे हैं, उसका कैपिटल नेपिटा है और पुराना कैपिटल उसका रंगून था जहां पे बहादुर शाह जफर को भेजा था और उसने वो शेर लिखा था कि चार दिन मांग कर लाए थे जिंदगी दो आरज़ू में कट के दो इंतजार में, वो वाला। तो यहां से फिर जो है वो मुसलमान रेफ्यूज जब बर्मीज आर्मी उनके पास जुल्म करती है तो वो बांग्लादेश के पास आते हैं, बांग्लादेश में ढेर सारे कैंप्स लगे हुए हैं, ठीक है। अभी इंडिया और चाइना जो है वो लड़ रहे हैं, दो मकामात पर लड़ते हैं, एक ये सिक्किम का पॉइंट है, दूसरा यहाँ पर लद्दाख का पॉइंट है, अभी इंडिया और चाइना की यहाँ पर क्लैश। तो ये इंटरकनेक्टिविटी से आपको जीके याद होता है। जीके अगर आप समझे ना कि मैं एक बुक उठा लूं और उसे पढ़ना शुरू कर दूं, जीके कभी भी वैसे तैयार नहीं होता, ना आपको कैपिटल वैसे तैयार होंगे, ना आपको वर्ल्ड मैप ऐसे तैयार होगा। देखो वर्ल्ड मैप्स और कैपिटल, तो वर्ल्ड मैप तो आपकी फिंगरप्रिंट्स पे होना चाहिए, जब तक आप वर्ल्ड मैप नहीं समझोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ज्योग्राफिया बेसिक है, इसलिए मैंने जीके क्लास में सबसे पहले ज्योग्राफिया रखा है और सबसे ज्यादा डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग क्लास भी ज्योग्राफी की होंगी। तो बुक्स जो है वो जीके के लिहाज से रिकमेंडेड नहीं है, बुक से तैयारी आप नहीं करेंगे, आप किधर से तैयारी करेंगे, थ्रू लेक्चर्स और थ्रू इंटरकनेक्टिविटी मेथड। अब मैं से आपको देखो, अभी आपने मेरी थोड़ी सी बातें सुनी थी और मैंने आपको कितना जीके तैयार करवा दिया था, मतलब 5-6-7 एमसीक्यूज तो मैंने तैयार करवा दिए। अगर हम इस्लाम के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं कि जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर सऊदी अरेबिया में थे, तो 622 में जो थी वो हिजरत हुई थी मक्का टू मदीना, ठीक है ना, तो ये मक्का है, ये मदीना है, मक्का से जाके वो इधर गए थे। उससे पहले जब जुल्म हुए कुरैश मक्का ने गए थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को भेजा था कि तुम लोग किधर जाओ, इथोपिया के अंदर जाओ, उस वक्त उसको अब्सिनिया कहते थे, तो वो वहां से यहाँ पर आए थे। तो देखो ये 612 जो था वो आफ्टर डोमिनो मतलब ये कि आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, एक होता है बीसी बिफोर क्राइस्ट, तो ये आपको कितने एमसीक्यूज बातों में तैयार हो गए। तो एमसीक्यूज तब आपको तैयार होते हैं जब आप इंटरकनेक्टिविटी ब्रेन की बनाए, वरना भूल जाते हैं। सेम गोज फॉर द सब्जेक्ट आल्सो, कि जब आपने कोई बुक पढ़ी है फिर उसके साथ आप एमसीक्यूज निकालोगे या उसका ओवरव्यू लिया है बुक का फिर एमसीक्यूज निकालोगे, आपको नहीं भूलेगा, आपका दिमाग उसके साथ रिलेशन बना लेता है, ठीक है। लेकिन जब आप रिलेशन नहीं बनाओगे दिमाग का उस पर्टिकुलर एमसीक्यू के साथ तो फिर वो भूल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से मेमोरी हमारी काम करती है, नेचर है ह्यूमन। जी सर, हम मॉर्निंग की टाइमिंग रख लेंगे ताकि फ्रेशली जो आप सुन सकें आपको। जी मैंने आपको अपनी देखे बता दिया है कि देखो 5 से लेके 6 बजे तक मैं स्टार्स एकेडमी में पढ़ाता हूँ, इसके अलावा जो है वो 9 से लेके 12 बजे तक कॉलेज होता है, ठीक है। तो अभी तो हर कॉलेजेस बंद है तो मैं आपके लिए 100% अवेलेबल हूँ, तो मतलब ये कि लेकिन ये मेरी एक विंडो क्लोज है, बाकी मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ, मॉर्निंग और शाम के वक्त, रात के वक्त मेरे लिए बहुत ईजी है, मैं बड़ा ईजिली वो सारा कर सकता हूँ। अच्छा एक क्वेश्चन आया कि सर कैसे पता चलेगा कि मेरे चांसेस हैं कि नहीं, बिकॉज अच्छा ये आपने ईमानदारी से वो डिस्कस करना है, ठीक है ना, ईमानदारी से वो डिस्कस करना है। अभी मैंने एक कैंडिडेट का केस जो था वो पिछले में डिस्कस किया है कि 2012 में उन्होंने, अब इन्होंने देखो जूलॉजी की इनकी 2 अटेम्प्ट हो चुकी हैं, लेकिन मैंने उन्हें कहा है कि आपने 2 अटेम्प्ट शो नहीं करनी, आपने टेस्ट में जो है वो सेकंड अटेम्प्ट शो करनी है कि जनाब मैं सेकंड अटेम्प्ट करने जा रही हूं, क्योंकि कंप्यूटर में मिस्टेक हो जाता है। मैंने हमारे कई एक्सपीरियंसिस में आता है कि बंदा निकल जाता है पता भी नहीं चलता और ना किसी को होता है। तो ये सिर्फ आपको पता चलेगा आपकी असल में कितनी अटेम्प्ट हुई है जब आप बैठेंगे इंटरव्यू के वक्त, वो इंटरव्यू को बुलाएंगे ना आपको, आपका 10 बजे इंटरव्यू है, आप जाके 8:30 बजे उधर बैठ जाएंगे, फिर वो 1 by 1 एक एक कैंडिडेट बताए बुलाएंगे, आपकी डिग्रीज चेक करेंगे, ठीक है, और चेक करेंगे कि डिग्रीज के डिग्रीज ठीक है, ओरिजिनल लेके आए या नहीं लेके आए, आपका परफॉर्मा बनाएंगे, पूछेंगे कि क्या आप एमफिल के मार्क्स क्लेम करना चाह रहे हैं,
ठीक है, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं या फिर आप जो है वो आपकी बहुत आउटस्टैंडिंग कोई डिस्टिंक्शंस हैं या आपके वालद या वालदा कोई गवर्नमेंट जॉब में थे बीपीएससी के थ्रू और वो उनकी डेथ हो गई, उससे रिलेटेड कोई चीज आपके दिमाग में आ जाती है तो क्या होगा, वो फिर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स भी उसके देंगे। ठीक है, तो ये सारा चीजें आपको अटेम्प्ट कितनी हुई या नहीं हुई ये फाइनल आपको कब होगा, तभी होगा जब आप बच्चे जाएंगे उधर इंटरव्यू के बाद। जी फलक, कि जो भी क्लास की टाइमिंग रखें बाकी कोई इशू नहीं है, जस्ट कोशिश करें कि मैं 9 से जो है वो 3 तक, जॉब का टाइमिंग इस तरह का होता है कि बार दफा मूव करना पड़ जाता है, तो या सुबह की रख लें या रात की, जिस टाइम हम सब फ्री होके इजीली जो है इसको टाइम दे सकें प्रॉपर और फिर इसको कर सकें। ठीक, जो भी टाइम रखें कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको इस तरह से मैनेज कर लें कि हम में से बहुत से कुछ जॉबियंस भी होंगे तो उनको मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा जो है वो सेट कर लेंगे। ठीक हो गया, जैसे आप लोग जैसे आप जी, बिल्कुल अच्छी सजेशन है, सबको लेके चलना है, तो जिस पे सारे एग्री हो गए वो टाइम रखेंगे। बेस्ट आइडियल अगर मैं अपने जो हमारी डिस्कशन हुई ऐसे अंदाजा लगाऊं तो सुबह 6 बजे से या रात 9, 8, 10 बजे ये वाली टाइमिंग हमारे लिए बेस्ट बनती है। मतलब ये कि ना तो कोई जॉब पे होगा ना किसी को कोई घर का काम होगा इस वक्त के दौरान, बाकी हम मतलब ये कि जो जो अवेलेबल है वो ग्रुप में कर लेगा ना व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। जी क्या इतना टाइम है, मींस कब तक एक्सपेक्टेड है? देखें जी, अब ये तो कोरोना पेंडेमिक चल रही है, कोर्ट के थ्रू बाउंड होती है पीपीएससी के 3 मंथ के अंदर टेस्ट ले ले, ठीक है ना। लेकिन अब तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात है ना, किसी भी वक्त चीजें किसी तरफ भी जा सकती हैं। ठीक है, अभी बहुत से इंपॉर्टेंट एग्जाम्स लाइक जो कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है वो पोस्टपोन हो रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे अक्टूबर के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जल्दी भी हो सकते हैं और लेट भी हो सकते हैं, इसमें कोई इतना नहीं है कि कोई नहीं कह सकता कि जी इन दिनों में होंगे। ठीक है, तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे अक्टूबर के अंदर, जल्दी से जल्दी भी होगा ना तो अक्टूबर के अंदर होंगे, अक्टूबर से पहले नहीं हो सकते। ओके सर जी जी, कोई और क्वेश्चन है तो हाँ जी, क्लियर है सबसे क्वेश्चंस वगैरह, किसी ने और कोई सवाल नहीं पूछना? हाँ जी सर, ठीक है, बस व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो फिर आप शेयर कर दें, फिर हम ऐड हो जाएंगे। चलें ठीक है, बाकी मैंने आपसे सारी जो है वो डिटेल्स वन बाय वन जो के डिस्कस कर ली है, जो आपका हमारा तरीका कार होगा प्रिपरेशन का या फिर तैयारी का वो भी आपके साथ है, डिस्कस कर लिया जाएगा, कर लिया है अभी। ओरिएंटेशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, मतलब ये कि ये जब हम अपना प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको ग्रुप में ये सारी चीजें सेंड कर दूंगा। जो हमारे मॉक टेस्ट होंगे ना फाइनल, जो 3 टेस्ट मैंने रखे हुए हैं ब्रेकअप के अंदर यहाँ पर, ये सारे हमने आपने ओएमआर सीट के ऊपर देने हैं, प्रॉपर 90 मिनट्स के टाइम के अंदर आपने जो है वो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होंगे, तो ये हम वैसे ही करेंगे जैसे आप पीपीएससी के टेस्ट में बैठे हैं। एक ये मॉक टेस्ट और दूसरा जो फाइनल मॉक टेस्ट होगा ना हमारा, मतलब ये कि आपके टेस्ट से 2 दिन पहले, ठीक है, ओरिजिनल टेस्ट से 2 दिन पहले, तो वो भी मैं एक बना के आपसे शेयर करूंगा। बाकी वीकेंड्स को हम पास्ट पेपर्स डिस्कस किया करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस जो है, क्योंकि ये काम है ही प्रैक्टिस का, और जितना नॉलेज आप इकट्ठा कर सकते हैं उस इकट्ठा करके बाद में उसे यूज करने का है। तो यही जी छोटा सा ट्रिक है, जितना पढ़ेंगे, जितना पार्टिसिपेट करेंगे, जितना डिस्कस करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे, दूसरा नॉलेज आपसे शेयर करेगा, आप इंप्रूव करेंगे। ठीक है जी, तो अल्लाह ताला से बस दुआ करेंगे बाकी हो जाए और वो बेहतर वहां पर आपको लेके जाए जहाँ पे आपको इज्जत मिले, और बस यही दुआ करें। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत इन्फॉर्मेटिव था, बहुत ज्यादा अच्छा, डेली हो गई। जी जी बिल्कुल जी, दोबारा क्वेश्चन, फीस का? फीस जो है वो मैंने लिखी हुई है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दोबारा सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो वो स्क्रीनशॉट में दोबारा सेंड कर दूंगा। ठीक है जी, तो 2 सितंबर से तो क्लास हमारी स्टार्ट होगी, 2 सितंबर से क्लास स्टार्ट होगी, तो आपके पास पर्टिकुलर टाइम है फॉर द ड्यूज एंड एवरीथिंग, तो वो जो है वो मैं आपको साथ साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर रखी हुई थी कहीं पे स्लाइड, वो अभी नहीं मिल रही, लेकिन मोबाइल मेरे में है, वो मैं शेयर करूंगा। जी बाकी आप चाहे तो जीके अटेम्प्ट कर लें, चाहे तो सब्जेक्ट कर लें, चाहे तो दोनों कर लें, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, और इंशाल्लाह जब आप ये टेस्ट पास करेंगे रिटर्न, तो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए बकायदा कंसेशन भी होगी और आपके मॉक इंटरव्यूज भी क्रिएट जो है वो करवाए जाएंगे, उसके उसके उसकी फिक्र ना करें, असल चीज जो है वो इंटरव्यू है, टेस्ट पास करें टेस्ट हो जाता है पास। बस वो जो मैंने आपको ट्रिक बताया है ना कि कितने मतलब ये कि आपने कितने अटेम्प्ट रखने हैं, मतलब नैरो डाउन कैसे करना है चीजों को, वो आपने चीजें ध्यान में रखनी है, वो असल चीज है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवर रीच नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, बल्कि कैलकुलेटेड तरीके से जो है वो क्वेश्चन पेपर को लेके चलना है। बाकी आपको मैंने बताया है कि 44 और 50 को इतना हाई मेरिट नहीं होता, मतलब अगर आपकी जो जिले पूरे पंजाब की क्रीम है वो 44 मार्क्स ले रही है बायोलॉजी में, तो 44 तो हर बंदा ले सकता है। ठीक है,
तो 50 मार्क्स बायोलॉजी में हर बंदा क्यों नहीं रह सकता जिसने पढ़ी हुई है, तैयारी की हुई है। इशू ये है कि लोग तैयारी नहीं करते और जाके टेस्ट पे बैठ जाते हैं, इसलिए तो मेरिट 50 और 44 पे आके रुकता है। अगर तैयारी की हो तो 60-70 पर जाके रुके, तो ये असल चीज है। आप तैयारी करें तो इंशाल्लाह जरूर सिलेक्शन होगी। गेम सारी जो है वो इंटरव्यू की हैंडलिंग की है, वो मैं आपको प्रेजेंटेशन के अंदर बता चुका हूँ, वेटेज और सारा टेस्ट का एनालिसिस कर चुका हूँ। कोई और सवाल है अगर आप करना चाहें तो कर लें, उसका मैं रेडी हूँ जवाब देने के लिए, फिर मीटिंग ओवर करते हैं। तो इसके बाद जितने भी आपके मेरिट जो है वो पर सीट 5 कैंडिडेट्स बुला के लिया जाता है, तो पासिंग मार्क्स आर इक्वल्स टू 40। लेकिन देखो अगर सारे नालायक, मतलब पेपर बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है ना, बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंगली डिफिकल्ट हो, आउटस्टैंडिंगली डिफिकल्ट पेपर हो, तो मैं उन्होंने पर सीट, देखो उन्होंने पर सीट 5 कैंडिडेट्स बुलाने हैं, 5 कैंडिडेट्स बुलाने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 46 सीट्स हैं बायोलॉजी की फीमेल की, तो दे विल कॉल मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है ना, तो वो मल्टीप्लाइड बाय 5 जितने कैंडिडेट बनते हैं 230, वो उनको कॉल करेंगे। अब 230 का मेरिट चाहे तो 20 पे बन जाए, चाहे तो मतलब ये कि वो 80 पे बन जाए, ये फिर उसमें मैटर नहीं करना। उन्होंने असल जो उन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है ना पास, या मतलब ये कि लोगों को बुलाने का, वो क्राइटेरिया है पर सीट 5 कैंडिडेट, ठीक है। तो ये इसमें ना जाएं, आप अपना पूरा जोर लगाएं, पेपर दे के घबराना नहीं है, चॉकलेट और पानी पी के रखें, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, ठीक है जी। अच्छा चलें जी, बस आज के लिए फिर इतना बहुत है जी, कोई और सवाल है? ठीक है सर, चलें जी, बाकी हम व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो डिटेल्स जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।